हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप ऑल गुड। सब मजे में होंगे और मास्क लगाकर रहिए, डिस्टेंस बनाकर रहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका है यहाँ पर, आपको पता ही है। तो प्लीज बी सेफ एंड बी हेल्दी। रोज योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है दोस्तों, और बचकर रहिए और अपनी फैमिली को भी बचा कर रहिए। दोस्तों आज का जो ट्यूटोरियल है हमारा, वो है हमारा पॉइंट कैशे मॉडिफायर के ऊपर 3ds Max सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम कई बार रेंडर करते हैं फाइल्स को, तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, जब सिस्टम क्रैश कर जाता है, सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, पता ही होगा आपको। तो उसके लिए एक मॉडिफायर है 3ds Max सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसका नाम है पॉइंट कैशे। उसको हम लगाते हैं ना जैसे मैश के ऊपर, तो उससे क्या होता है, एक जादू होता है कि जो बोन्स होती है ना हमारी अंदर की, जो रिक कैरेक्टर होता है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं, मगर एनिमेशन उसके अंदर रहेगी, जिससे आपका कैरेक्टर और फाइल बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है और उसको हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो हम जो रेंडर निकालते हैं उसमें इतने सारे हैवी हैवी मैशेज हो जाते हैं, तो वो रेंडर होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे रेंडर को बचाने के लिए बहुत एक तरुका इक्का है पॉइंट कैशे, ठीक है दोस्तों, वही आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, चलिए, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले ओपन कर लीजिए जो भी कैरेक्टर है आपके पास, जिसकी एनिमेशन आपने करी हुई है, जिसके अंदर बोन्स है, चाहे वो बाइपेड हो, चाहे वो बोन्स और एक कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे मैं ओपन कर लेता हूं पहले, जैसे मैंने ये देखो मेरे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर एनिमेशन है 9 एनिमेशन बनाई हुई है 950-950 फ्रेम की मैंने, ठीक है। ये देखो, देख लो इसको एक बार, ये डांसिंग एनिमेशन, ये आई एम जस्ट लैला मलैला, कैसी तू लैला, हर कोई चाहे मिलना केला, ओ लैला, ठीक है। ये लैला की तरह नाच रही है, मान लो आप डांस कर रही है 900 फ्रेम तक। अब क्या करना है, हमने मेन जिसके अंदर बोन्स है, देख रहे हो आप, ये सारी बोन्स है। अगर मैं इसका मैश ज्योमेट्री ऑफ कर दूं तो ये बोन्स है सारी, जिसपे कीज लगी हुई है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो कीज है सारी इसकी, ये देखो सारी कीज दिख रही है आपको इसकी, ये सारी कीज है इसकी कैरेक्टर की, ये देखो, ये देखो सारी कीज है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये हेड की होगी, ये चेस्ट की होगी, स्पाइन, पेल्विस, लेग, हैंड, ठीक है। अब क्या करें हम ऐसा, जिससे ये सारी बोन्स जो है इसकी, ये डिलीट हो जाए, क्योंकि ये हमारे इजी रहता है रेंडर करने में, रेंडर नहीं होता, कई बार क्रैश हो जाती है फाइल, तो हम बोन्स को हटा देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छे से समझना दोस्तों, और अब कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, अपन ये देखो सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्योमेट्री देखो, पहले तो ये देखो बोन्स ऑफ करके ऐसे देखोगे आप इसको, ये देखो एक बार, ठीक है, नर्स नाच की है, क्या हो गया, पागल हो गया, कोरोना से बुरा हाल हो गया, अब क्या करें। इसलिए सेफ रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, डिस्टेंस बना के रखिए, 2-6 फीट का कम से कम, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमने इसमें, अब देखो इसका जो मैश है ना वो अलग अलग है, जो पैर का और चेस्ट का, देखो जो ऊपर अपर पार्ट बॉडी है उसका अलग है, लेग्स का और फेस का अलग है, और जो इसने पहनी हुई है कैप उसका अलग है, देखोगे तो ये देखो ग्रिड में। तो अपन ने क्या करना है, अब
अपन ने पहले पकड़ना है ऊपर से, चल नीचे चलो या ऊपर जाओ, पहले ऊपर पकड़ लो। यहाँ पे मॉडिफायर में आएगा स्किन है ना, इसके ऊपर लगाना है आपने पॉइंट कैशे। ये देखो आ गया पॉइंट कैशे WSN, ठीक है दिख रहा हो आपको। इसके बाद क्या करना है हमने, यहाँ पे देखो न्यू लोड अनलोड रीलोड ये सारे ऑप्शंस हैं, तो न्यू पे क्लिक करना है और जहां भी आपको बनाना है वहां पे एक फोल्डर का नाम दे दो पहले तो। जैसे मैं देखता हूँ नर्स, ठीक है। फोल्डर का नाम देने के बाद इसको देखो जो भी नेम है ना यहाँ पे उसी नेम से सेव कर लेना, 01 है इसको सेव कर लो, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, इसके बाद भी सबसे मेन काम इसके बाद होगा। नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद ये देखो रिकॉर्ड है। अभी देखो स्टार्ट फ्रेम है, कहां से कहां तक यहाँ बढ़ा सकते कम कर सकते हो। जैसे ये एनिमेशन ही 925 फ्रेम की है ना, मैं 925 फ्रेम कर दिया इसको और इस पे क्लिक कर दो फिर रिकॉर्ड। अभी रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, देखो ये हो गया रिकॉर्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फाइल्स पॉइंट कैशे इवेल्यूशन सैंपल रेट स्टार्ट रेट एंड रेट, ठीक है ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे दूसरे पे करेंगे हम, इसको पकड़ो, इस पे पॉइंट कैशे लगाओ मॉडिफायर, ठीक है। पॉइंट कैशे लगा के न्यू पे जाना है, सेव और करना है नीचे आके रिकॉर्ड। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज है मगर बहुत ही काम की चीज है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने ये कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो ये इस पे तो कर दिया, पैर पे भी लगाना पड़ेगा हमें मॉडिफायर पॉइंट कैशे। पॉइंट कैशे लगा के न्यू पे जाना है, फिर से सेव और रिकॉर्ड पे बटन पे क्लिक, ठीक है। ध्यान रखना जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है ना उस बॉडी के साथ जो इतना भी मैश अटैच है, ठीक है, पहले तो रखना कि एक हो मेन जब रिक कर रहे हो। अगर नहीं अलग अलग होता है, जैसे क्लोथ हम अलग अलग बनाते हैं, तो उस पर हर जो जैसे फेस के ऊपर कैप है या हैंड में कुछ है या लेग्स का अलग है कब क्लोथ, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है आपने, सब पे पॉइंट कैसे लगाना है, उसके बाद सबको रिकॉर्ड करना है, तभी आएगी उसकी एनिमेशन उसके अंदर। जैसे बेक होता है ना वही वाला सीन होता है, मगर इसके अंदर क्या होता है बोन्स हम हटा देते हैं। मैक्स के अंदर बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है दोस्तों। अब हमने इस पे भी लगा दिया, पैर पे भी लगा दिया, को चेक कर लो, इधर पॉइंट कैसे आ रहा है ऊपर, और इस पे भी लगा दी कैप पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, बोन्स को हटा दीजिए। याद रखना कि मतलब जितने भी आपके पास कैरेक्टर का जितना भी मैश हो ना सब पे लगा देना पॉइंट कैसे, फिर उसको सब पे क्लिक करके रिकॉर्ड भी करना। क्या होता है देखो हैंड का होता है ना, जैसे हमारा हैंड होता है, क्या होता है कई बार ये जो होता है कलाई इसका अलग होता है, इस स्विच से उस वाली बॉडी का अलग होता है, इसका अलग होता है, सबको अलग अलग पकड़ के सेव करना है फिर, ठीक है। इसको अलग पकड़ के सबको सेव करना पड़ेगा, आपको जितने भी इसके अंदर मैच होंगे, नेल्स भी अलग है ना अलग, तो उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने मैच को ऐसे पकड़ के सबका पॉइंट कैसे लगा दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, बोन्स को डिलीट करते तो एनिमेशन खत्म हो जाती है, अगर आप यहां डिलीट करेंगे देखो क्या होता है, जादू पता करिए ये लो। अब मैंने मैश को करा डिलीट ना, तो हम करेंगे बोन्स को, ये बोन्स है ना, ये बोन्स को डिलीट कर दिया, ये देखो सारी बोन्स को डिलीट कर दो, ये देखो एनिमेशन बिल्कुल सेम रही, एनिमेशन जरा सी भी खराब नहीं हुई, और आपका बोन्स भी हट गई उसके अंदर से। ये देखो बोन्स है ही नहीं, ये देखो यहां से मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं, बोन्स है ही नहीं कैरेक्टर के अंदर, देख रहे हो आप, ये देखो बोन्स है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मतलब ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको पॉइंट कैशे के जरिए आप एक भी कोई भी फाइल को कैरेक्टर के एनिमेशन को उसके अंदर रख सकते हैं और उसको हटा के उसको बहुत ही इजी बहुत ही हल्का बना सकते हैं रेंडर के लिए, जिससे आपके रेंडर का टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है।
कोशिश करके देखते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल जो जैसे भी आप करना चाहते हो ना उसको, बहुत ही सिंपल रहेगा आपके लिए और आपको आराम से वो रेंडर भी होने के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल एक मतलब पॉइंट कैसे के जरिए कोई भी फाइल को ना हल्का बना सकते हैं। तो ट्राई करिए इस ट्यूटोरियल को, और आपको कुछ समझ नहीं आता तो बताइए मुझे, मैं जरूर उसकी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसे कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तभी हम मैथ्स में बड़ी सारी अच्छी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं। और अगर अच्छा आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अभी ठोकिए बटन जल्दी से जल्दी बेल आइकन को, ठीक है, जिससे मैं कारण आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिले मेरी ट्यूटोरियल्स की, और आपको जल्दी जल्दी एनिमेशन के बारे में जाने अच्छी अच्छी चीजें मैं लाता रहूंगा, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अरिगातो गोज़ाइमास, माता ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, चना नहीं, स्टे विद मी, टेक केयर।